ढाबा स्टाइल लहसुनी दम आलू, जिसके लिए 2 चम्मच कढ़ाई में तेल, और इस तेल पे हम डालेंगे ये 300 ग्राम आलू। ये 300 ग्राम आलू हमने उबाल लिया था और फिर उबाल के छील लिया, वो आलू इसके अंदर डाल लेंगे। और पूरा आलू डालने के बाद इसको पकाएंगे हम कुछ देर तक। इस तरह से आलू को गलाने के बाद बर्तन को हम ढक लेंगे और ये 2 मिनट बाद बर्तन से ढक्कन हम हटा लेंगे। आलू को चला लेंगे इस तरह से आलू को चला लेंगे। आलू पे डालेंगे अब हम ये 2 छोटे चम्मच नमक, ये नमक इसके ऊपर, और अब हम इसमें डालेंगे ये 5-6 लहसुन हमने पीस लिया था, उसमें हमने डाला था 3 कश्मीरी लाल मिर्च, वो इसके अंदर भिगो के मिक्सर में पीस लिया था, वो पेस्ट इसके अंदर डाल लेंगे। और इस पेस्ट पे हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच सूखी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये इसके ऊपर डाल लेंगे। ये इसके ऊपर इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के स्लो गैस पे 4-5 मिनट तक पकने लेंगे। और ये कुछ देर बाद पैन से हम ढक्कन हटा लेंगे और ये आलू चला लेंगे। जो मसाला हमने डाला था वो पक चुका है और मसाले के साथ जो पानी था वो भी सूख चुका है। इसको फिर भी हम 2-3 मिनट के लिए और ढक के अच्छे से आलू और मसाले को पका लेंगे। और ये कुछ देर बाद रायते से ढक्कन हटा लेंगे। ये आलू हमारा रेडी हो चुका है, ढावा स्टाइल लहसुनी दम आलू, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये तैयार है हमारा ढाबा स्टाइल लहसुनी आलू।